नमस्कार, मेरे साथ जस्टिस सभाजीत यादव जी हैं, जिन्होंने आज शोषित समाज प्रांतीय सम्मेलन इलाहाबाद में आयोजित किया था। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि क्या वजह है कि शोषित समाज का प्रांतीय सम्मेलन बुलाना पड़ा और आगे क्या रणनीति है। सर, सबसे बड़ी बात है कि आपके सम्मेलन में काफ़ी लोग आए, ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी, लेकिन समस्या ये है कि शोषित समाज का प्रांतीय सम्मेलन आपने क्यों बुलाया? देखिए, शोषित समाज का तो जैसे लोगों ने आपको बताया ही है कि जो लोग किसी भी तरह से शोषित हैं, वो किसी भी जात बिरादरी के हों, शोषित समाज के एक तरह से सदस्य माने जाएंगे, चाहे बड़ी जात के लोग हों, चाहे छोटी जात के, चाहे अल्पसंख्यक, चाहे पिछड़े। लेकिन आज मोटे तौर पे जो देखा जाए तो जो दलित है, मजदूर है, किसान है, वही शोषित है। बाकी ये पूंजीपति को तो शोषित समाज नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी बिरादरी को। और जो तो हम लोगों ने यह महसूस किया कि आज अगर देश की सारी चल अचल संपत्ति पर केवल 10% लोगों का 95% चल अचल संपत्ति पर अगर कब्जा है, प्रांतीय सम्मेलन बुलाने क्या मकसद है? तो प्रांतीय सम्मेलन तो देखिए इसकी एक लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, और जागरूकता के माध्यम से आगे कुछ लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि शोषित समाज के जो मुद्दे हैं उसको और दूसरे समाज नहीं लड़ सकते, उसको शोषित समाज ही लड़ेगा। जैसे यद्यपि बेरोजगारी का सवाल हमने इसमें उठाया, इसमें कोई जात बिरादरी का सवाल नहीं, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आज गांवों में जो लोग हैं, अगर उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 50% लोग भूमिहीन दिखाए गए हैं, तो 50% भूमिहीनों में ये दलित तो पिछले ही लोग हैं, और पिछड़ों में थोड़ा सा यादों में, कुर्मियों में और काचियों में। अच्छा, ठीक है सर, थोड़ा जमीन है, बाकी लोगों में तो जमीन नहीं है। और आप सर, आप एक मुद्दे पर बार बार लड़ाई लड़ते रहते हैं, चर्चा भी करते रहते हैं कि एक समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, आज भी आपने मुद्दे पर। हाँ, देखिए बेरोजगारी के सवाल को मैंने पहले पॉइंट आउट किया कि बेरोजगारी के लिए जो अभी श्रम ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट दिया है, वह पिछले साल दिया है, हमने इसमें डिटेल में बताया था, अप्रैल 2015 से लेकर दिसंबर 2015 तक उसने ऑल इंडिया सर्वे किया, और यह पाया कि 77% देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ नियमित आय का कोई स्रोत नहीं, यानी नियमित वेतन भोगी नहीं है, या कोई रेगुलर इनकम का आमद नहीं है, स्रोत नहीं, साधन नहीं, तो 77% ऐसे परिवार हैं। और उसने यह भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात कहा कि भारत जैसे बड़े देश में 5% जनसंख्या जो है प्रति वर्ष बेरोजगार होता जा रहा है, यानी बेरोजगारी घट नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यह आंकड़ा किसका है? यह आंकड़ा श्रम ब्यूरो का है। श्रम ब्यूरो का है? हाँ, मतलब केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का है। तो यह तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि हमारे चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, इसकी सबसे प्रमुख जो प्राथमिकता में होनी चाहिए वो बेरोजगारी होना चाहिए। यानी बेरोजगारी बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, और 77% 77% लोगों के पास रेगुलर इनकम के साधन नहीं है, साधन नहीं, और उसमें से ज्यादा लोग जो है दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आप इसके निराकरण के लिए शिक्षा व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, इसके लिए देखिए बड़े पैमाने पर मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा व्यवस्था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो लगातार आर्थिक सामाजिक विषमता पैदा करने वाली अगर शिक्षा है तो वह देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली। अच्छा, दोहरी शिक्षा प्रणाली को मैं डिटेल में आपसे बता दूँ कि एक तरफ अंग्रेजी स्कूल, जहाँ बड़े लोगों के लड़के धन्ना सेठों के लड़के पढ़ते, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसे देश में देहाती स्कूल, जहाँ गरीबों के, किसानों के और जो लोग गांव में रहते हैं उनके बच्चे कमजोर तबके वाले पढ़ रहे हैं। तो यह वो आज जो शिक्षा की बदहालत है उसमें मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2,00,000 प्राइमरी विद्यालय, जिसमें 20,000 विद्यालय में एकल शिक्षक पर काम चलाया जा रहा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 85,000 वैकेंसी जूनियर हाई स्कूल के टीचरों की है, एलटी ग्रेड टीचरों की है,
लेक्चरर्स की है, हायर एजुकेशन में जो महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, 50% से कम वैकेंसी कहीं है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने हजारों करोड़ रुपया लैपटॉप बांटने में खर्च कर दिया, हजारों करोड़ रुपया, 10,000-15,000 करोड़ उसने लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनाने में खर्च कर दिया। लेकिन मास्टरों की नियुक्ति नहीं की, मास्टरों की नियुक्ति नहीं किया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1,25,000 वैकेंसी कांस्टेबल की है उत्तर प्रदेश। हाँ, कांस्टेबल 1,25,000 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30,000-30,000 उत्तर प्रदेश सरकार हर साल भर्ती करे, और यह कहा है कि 3,500-3,500 दरोगाओं की भर्ती हर साल करे। तो यानी कि 1,25,000-1,50,000 वैकेंसी दरोगा और कांस्टेबल को मिला करके है, यह वैकेंसी नहीं भरी। तो इन सब चीज़ों की प्राथमिकताएं यह थी कि पहले रोजी रोटी की व्यवस्था होती, यह जो कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए पुलिस बल की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए व्यवस्था होती, टीचरों की नियुक्ति होती, तब जमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे और दुनिया भर की मेट्रो वगैरह खोलने की तब बाद में ज़रूरत आती। यह मैं नहीं कहता कि आज इसकी ज़रूरत नहीं है तो कल भी नहीं रहे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेलफेयर स्टेट में, कल्याणकारी राज्य में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, उसमें यह होता है कि आप अपने आय को सुनिश्चित कर लेते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन आपका कितना है। गवर्नमेंट की आय तो टैक्स पर ही आधारित है ना, तो कितना आप टैक्स वसूल रहे हैं और कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें यह लाइसेंस वगैरह की भी है, माइनिंग वगैरह की फीस और ये रॉयल्टी वगैरह भी सब आती है, ये सब होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे जो रेवेन्यू जिसको कहा जाता है, कितना आपका रेवेन्यू, आर्थिक संसाधन, आर्थिक स्रोत क्या है और आपको व्यय क्या करना है, तो व्यय में आपको देखना है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, प्राथमिकताएं क्या होगी। अगर आप भूखे हैं तो पहले आपको खाना प्राथमिकता होगी कि बढ़िया कपड़ा पहन, खाना होगी, ठीक। तो प्राथमिकताएं हमारे देश में यह है कि गरीबी है, बेरोजगारी है, यह प्राथमिकताएं हैं। लैपटॉप बांटना प्राथमिकता में नहीं है, मैं तो कहूंगा कि कन्या विद्याधन भी बांटना प्राथमिकता में नहीं है, पहले शिक्षा प्राथमिकता। और यह, और आप आगे ये जो मेट्रो बना रहे हैं और एक्सप्रेस वे, ये प्राथमिकता में नहीं है। इसके पीछे निर्माण में चूंकि ठेकेदारी में कमीशन खोरी होती है, इसलिए सरकारें इस पर पहले जोर देती हैं कि पहले अपना वो आर्थिक मुद्दा ठीक करो, कमीशन ठीक करो, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लेके आते हैं। विकास का नारा बिल्कुल थोथा, और मैं कहूँगा कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी का वो मुद्दा है, विकास कोई मुद्दा नहीं। हाँ, ये केवल कमीशन खाने के लिए विकास की बात कही जाती है। अरे भाई, पहले आपको भोजन चाहिए, बेरोजगारी की बात करो, बेरोजगारी दूर करने की बात करो, निर्धनता दूर करने की बात करो, जो निर्धनता गैर, जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी पैदा कर रही है, शिक्षा में समानता लाओ। जब तक शिक्षा एक तरह की नहीं होगी, तब तक जो भारतीय संविधान में सबको समान अवसर देने की बात कही गई है, कैसे समान अवसर मिलेगा। ठीक है सर, ये सवाल है कि जिस आप तबके की बात करते हैं, शोषित समाज की, उस तबके में ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुआ है, उसी तबके में है। और पिछले लगभग 1.5-2 सालों में देखा जा रहा है उनके अंदर भी असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। असंतोष का कारण ये है कि देखिए, अभी तो यादव लोग सोचते थे कि मुलायम सिंह का परिवार अगर राज करेगा तो यादवों का स्वतः कल्याण हो जाएगा, लेकिन हुआ यह है कि मुलायम सिंह यादव के, चाहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, चाहे मुलायम सिंह खुद मुख्यमंत्री रहे, एक जिले में एक उनका टोपी वाला होता है जिसके थ्रू, जिसके जिसके माध्यम से वो पूरा ऑपरेट करते हैं, पूरा सिस्टम चलाते हैं, अब उसके पीछे क्या कारण है वो जाने, मैं डिटेल में नहीं कहना चाहता, बड़ी भद्दी बात होगी। ठीक, तो यह आहिरों को लगता है, यादवों को लगता है कि जैसे मुलायम सिंह आ जाएंगे तो पूरा कल्याण हो जाएगा। क्या कल्याण हो जाएगा भाई? जिले में एक आदमी का कल्याण होगा जिसके थ्रू ऑपरेट करेंगे,
उन्हीं की धन संपत्ति में इजाफा होगी, उन्हीं की आय और उन्हीं की प्रतिभा, उन्हीं का सम्मान समाज में बढ़ेगा। इसी तरह से और भी लोगों में सोच है कि भाई बिरादरी का आदमी रहेगा तो स्वतः बिरादरी के कल्याण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब लोगों को अपने मुद्दे के लिए, देखिए नेता के साथ मैं कहता हूँ नीतियाँ भी होना आवश्यक है और कार्यक्रम भी होना आवश्यक है। नेता आपका मैं नहीं कहता किस जात का हो, चाहे पिछड़ी जात का हो, चाहे दलित वर्ग का हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उसकी नीतियाँ दलित के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति उसकी नीतियाँ क्या है। अगर उसकी नीतियाँ नहीं सही हैं, चाहे सामाजिक न्याय का ही मुद्दा ले लीजिए, आरक्षण त्रिस्तरीय फार्मूले के लिए, कि आरक्षण में त्रिस्तरीय फार्मूले का मतलब यह होता है कि आजकल एक कोई भी कंपटीशन तीन भागों में बटा होता है। पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको बोल सकते हैं, फिर उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होता है रिटन टेस्ट के माध्यम से, फिर इंटरव्यू के माध्यम से फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अगर दलितों और पिछड़ों का प्री में ही अगर उनका आरक्षण कोटा नहीं लागू किया जाएगा तो मेन में लागू हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए त्रिस्तरीय फार्मूले को लागू करने के लिए हमारे यहाँ पिछड़े वर्ग के लड़के करीब 4 साल से इनकी पूरी सरकार में प्रयास करते रहे, लेकिन उसको इन्होंने खत्म कर दिया। मुलायम सिंह ने यहाँ अध्यक्ष जो थे डॉक्टर अनिल यादव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उनको कह करके उसको रोकवा दिया और फिर उसको वापस ले लिया। जबकि मामला न्यायालय में था, न्यायालय को फैसला करने देते जो होता, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो हमारा ये कहना है कि ये पिछड़ों की तो वोट लेकर सरकार में आए, लेकिन पिछड़ों के लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, न इनके न मुलायम सिंह के खुद के जहन में है, न इनके परिवार के किसी व्यक्ति में। अभी तो चुनाव के दौरान भी मैंने देखा था, बरखा दत्त ने इंटरव्यू लिया था मुलायम सिंह की जो छोटी बहू है अपर्णा यादव ने कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, जबकि संविधान में, भारतीय संविधान में पिछड़ों के और दलितों के आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। और इस पर अखिलेश यादव मुलायम सिंह का कोई बयान नहीं, इन पर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का कोई बयान नहीं आया, मात्र मायावती का बयान आया कि ये आरक्षण के प्रति छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब इसे आप उनकी मंशा भी पता चलती है कि आरक्षण के मुद्दे पर बोलना, हाँ सामाजिक न्याय के मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे पे ये बोलना नहीं चाहते, ये बोलना नहीं चाहते, ये करना भी नहीं चाहते। अच्छा, और तमाम वजह है जिसको मैं नहीं कहना चाहता, इसके वजह से भी नहीं करना चाहते। अच्छा, वो कहना बड़ी एक तरह से छोटी बात होगी, हाँ जिस तरह से इन लोगों की सोच है, ये नहीं चाहते कि दलितों और पिछड़ों का उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा सर, ये बताइए कि 19 को लेकर के आप क्या मानते हैं कि जो सीन वर्तमान में बन रहा है, 2 साल बाद इलेक्शन, देखिए वर्तमान में जो सीन बन रही है भाजपा से टक्कर देने, मैं समझता हूँ कि देखिए भाजपा के टक्कर देने और न टक्कर देने की कोई बात नहीं, एक राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन तो बनना आवश्यक हो गया है, उसके कारण सभी राजनीतिक दलों के अपने हित के हैं, अपने हित हैं, अपने अस्तित्व की बात है जी। तो जिस तरह से अभी पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोकसभा में जो सीन आई, तो उससे ये जाहिर सी बात है कि इसमें जो लोग हाशिए पे चले गए हैं तो उनको अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। और दूसरी बात एक मैं और कहना चाहता, देखिए उत्तर प्रदेश में भाजपा कोई अपनी काबिलियत, बड़ा अखबार मीडिया वाले मोदी का जयगान करते रहते हैं, मुझे तो कोई बात समझ में नहीं आती कि मोदी में कोई अच्छी, चाहे स्पीक में, चाहे भाषण में, चाहे और किसी वजह से, कोई ऐसी अच्छाई नहीं है जिसके वजह से लोग मोहित हो जाए। मैं तो यह कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी अच्छाई की वजह से नहीं पावर में आई है, बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं की नाकाबिलियत के वजह से आई। अब नाकाबिलियत के वजह से मैं कह दूं, उत्तर प्रदेश सरकार थी
48 विभाग माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पास था, 11 विभाग माननीय शिवपाल जी के पास था, 50-60 विभाग तो उन्हीं के परिवार में था, बाकी दो चार उनके और जो दबंग किस्म के लोग थे, महत्वपूर्ण विभाग जैसे आजम खान जी के पास था, राजा भैया जी के पास था, और तो मैं नहीं समझता कि किसी के सर 19 को लेकर के आप विकल्प क्या मानते हैं, ये बताइए। देखिए 19 को लेकर के मैं कोई विकल्प, कोई एक राजनीतिक दल का विकल्प नहीं मानता कि 19 में भाजपा साफ हो जाएगी तो कांग्रेस आ जाएगी। देखिए राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है कि ये दल स्वतः अपने विरोधी पैदा करते चले जाते हैं। एक जमाना था कि कांग्रेस के खिलाफ पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर के कांग्रेस को पराजित किया, आज ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, तो आज चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे केंद्र के राष्ट्रीय दल हो, सब की स्थिति यह है कि भाजपा को परास्त करने के लिए उनकी एक चुनौती और मजबूरी दोनों है। ठीक है सर, लेकिन शोषित समाज के द्वारा जो आप एक तरीके से मुहिम चला रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका एक संदेश होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपको किसको वोट करना है, कोई कोई मैसेज तो आप दे रहे होंगे। देखिए मैसेज तो अभी वोट का मैं नहीं दे रहा, देखिए हमारी तो अपनी व्यक्तिगत सोच, ये पार्टी की सोच ना समझिएगा, चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ तो उसकी अपनी अलग नीति रीति है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से एक स्वतंत्र नागरिक हूँ तो हमारी भी अपनी सोच है। बिल्कुल, मैं ये सोचता हूँ कि चाहे पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठा होने की मुहिम में शामिल है, उनको सबको मुद्दा भी तय करना चाहिए कि भाई हमारे मुद्दा, हम सत्ता में आएंगे तो क्या मुद्दा होगा, हम सत्ता में आएंगे तो हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी, इस बात को प्रचारित करने के लिए, एक जनमानस तैयार करने के लिए मैं यह शोषित समाज सम्मेलन कर रहा हूँ, उनकी समस्याओं को लोगों को बता रहा हूँ, और उस पर एक मैं मुहिम चला करके एक एटमॉस्फियर, एक वातावरण तैयार करना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊं कि 1977 से पहले बैकवर्ड क्लास के जितने सम्मेलन होते थे उसमें पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करने के लिए हमेशा प्रस्ताव पास होता था। नतीजा यह हुआ कि 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें भाजपा जो पहले जनसंघ हुआ करती थी, जो आरक्षण का विरोध अंदर अंदर करते हैं जिसके लोग, इसने भी माना और जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इस बात को बहुत प्रमुखता से दिखाया गया कि अगर जनता पार्टी सरकार बनाती है तो काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू करते हुए पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में और सार्वजनिक संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाएगा। वह अल्टीमेटली जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि रिपोर्ट बड़ी पुरानी हो गई, तो 1980 में इसमें फिर से एक आयोग गठित हुआ, मंडल आयोग गठित हुआ। मंडल आयोग ने भी 79 में ही, 78 में ही संभवतः ये मंडल आयोग का गठन हो गया था, 78 में स्वर्गीय बाबू रूपनाथ सिंह यादव ने एक बिल लाया था, तो उस मोरारजी देसाई की सरकार ने इसमें बीपी मंडल साहब को अध्यक्ष बनाते हुए मंडल आयोग का गठन कर दिया था। उसने 80 में अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दिया संसद को, सरकार को, फिर भी उसको नहीं लागू किया गया। लास्ट में इस पर हम लोग उस समय तो वकील थे, बड़ा लड़ाई लड़े चंद्रजीत यादव के नेतृत्व में, और अल्टीमेटली यह 1990 में लागू हुआ बीपी सिंह के प्रधानमंत्री तो काल, तो उसका एक लंबा इतिहास है। तो यह हम चाहते हैं, हमारा मेन मकसद यह है कि जो आज गरीबों के मुद्दे हैं, पिछड़ों के मुद्दे हैं, दलितों के मुद्दे हैं, इनको सरफेस पे लाया जाए, इनको ऊपर लाया जाए, सतह पे लाया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कनफुसवा कर देते हैं कि अरे अब की सरकार बनी तो अहिरों का ही कुल काम हुआ,
अब की सरकार आएगी तो कुर्मी को बनाएंगे, कोई रानी में जाते हैं तो कहते हैं कुर्मी को मुख्यमंत्री बनाए, कोयरी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी तरह सबको मुख्यमंत्री वाला पद अहिरों के अलावा जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं सबको बांट दी, और उनको बहकाने में सुविधा यह मिली कि इन लोगों ने सरकार में कुर्मियों को जितना मिलना चाहिए था, काछियों को जितना मिलना चाहिए था पद और भागीदारी, उतना नहीं दिया। इसके वजह से भी जो है वो बहुत भारतीय जनता पार्टी वाले के लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ अन्य पिछड़ों को गोलबंद करके अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन मुद्दों को उठाया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी वाले तो कुछ करेंगे नहीं, वो तो अंदर से कमंडल के सपोर्टर हैं, वो तो आरक्षण के समर्थक हैं नहीं। तो धीरे धीरे लोग जो जब जागरूकता पैदा होगी, तो जो लोग आज किसी न किसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हैं, उनमें जब जागरूकता आएगी तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे, जो लोग मंडल आयोग के पक्षधर हैं, जो लोग दलितों और पिछड़ों के सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं, उनका विकास चाहते हैं, उनके साथ खड़े हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आप सभाजीत यादव जी हैं, आपका कहना है कि निश्चित रूप से जो शोषित समाज का प्रांतीय सम्मेलन है इसके द्वारा अलग जगाई जा रही है, लोगों को उनके मुद्दे बताए जा रहे हैं, उनकी बात बताई जा रही है। अगर उन्हें कभी भी इसकी समझ आती है तो वह अपना नेता खुद चुनेंगे, अपनी पार्टी खुद चुनेंगे, और किसी को भी इस तरीके से मिसगाइड नहीं होना चाहिए कि किसी जाति विशेष का भला हो रहा है। और आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से अगर कई राजनीतिक दल मिल करके एक अलग से संगठन बनाते हैं तो बदलाव देखने को मिल सकता है। इलाहाबाद से अखिलेश कृष्ण मोहन।